नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। पन्ना जिले में कोविड 19 कोरोना वायरस संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अनलॉक होने के बाद से पन्ना में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में ताबड़तोड़ इजाफा हुआ है। इसी बात का ध्यान रखते हुए कलेक्टर पन्ना संजय कुमार मिश्र द्वारा आम आदमी की समस्याओं को सुनने के लिए अपने कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की गई है। ये कदम कोविड 19 संक्रमण की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए उठाया गया है। अब कलेक्टर को आवेदन देकर अपनी समस्याएं सुनाने वाले व्यक्तियों को सीधे वीडियो कैमरे के सामने बैठकर अपनी समस्याएं बतानी पड़ती हैं। कलेक्टर द्वारा प्रत्येक आवेदक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्याएं सुनने के साथ निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारी को देते हैं। इसके साथ ही जन सुनवाई में आवेदक अपनी समस्याएं लेकर कलेक्टर पहुंचते हैं और कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर अपनी समस्याएं सुनाते हैं और कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारियों से एक सप्ताह के अंदर आवेदनों पर कार्रवाई पर प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर पन्ना का कहना है कि लोगों को और ऑफिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण फैलने से बचाने के लिए डिजिटल सुविधाएं शुरू की गई हैं, ताकि लोगों को अपने आवेदनों के निराकरण या शिकायत के लिए घंटों इंतजार न करना पड़े और कोविड 19 कोरोना वायरस से सभी बचे रहें। इस उद्देश्य से ये सुविधा पन्ना कलेक्ट्रेट में शुरू की गई है, जो काफी कारगर साबित हो रही है। इस माध्यम से शिकायतकर्ता और अधिकारी दोनों को ही संक्रमण फैलने से बचाव होता है। कोरोना काल में लोगों को ज़्यादा कलेक्टर से बात करने के लिए ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़े और कार्यालय के कर्मचारी भी कोरोना से सुरक्षित रहें, इसके लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग किया गया है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से लोगों से बात की जा रही है। कलेक्ट्रेट के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक टीवी लगाया गया, जिसमें कंप्यूटर और कैमरा और माइक की सुविधा दी गई है। उसमें इंटरनेट की लाइन जुड़ी हुई है और गूगल मीट के माध्यम से जो भी शिकायतकर्ता हितग्राही आते हैं कलेक्टर से अपना आवेदन देने के लिए, उनको डायरेक्ट जो है लैपटॉप और कंप्यूटर के माध्यम से उस टीवी से कनेक्ट किया जाता है। आमने सामने उनसे बात की जाती है, उनका जो भी आवेदन है उस पूरी सुनवाई करके निराकरण का उनको